नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट फाइनल आंसर की को लेकर और आपके दोस्तों यहाँ पर 50,000 पद बढ़ाने को लेकर आज की दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री की तरफ से दोस्तों इसको लेकर बयान भी जारी किया गया है और इसी के साथ दोस्तों आपको कौन कौन से प्रश्नों पर बोनस अंक मिलने वाला है। दोस्तों, रीट की कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, फाइनल आंसर की के बाद कितने बोनस अंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, 105 प्लस पर भी जो स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 50,000 पद बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है। सबसे पहले मैं पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट है वो देख लेता हूँ। कल पूरे दिन दोस्तों रीट में पदों को बढ़ाने को लेकर बेरोजगारों का ट्रेंड ट्विटर पर रहा। दोस्तों, रीट उज्जैन की इसके लगभग 31,000 पदों के लिए भर्ती आयोजित करवाई गई थी, लेकिन दोस्तों राजस्थान के बेरोजगार लगातार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, शहीद स्मारक पर धरना कर रहे हैं और इसी के साथ दोस्तों रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करो को लेकर हैशटैग ट्विटर पर 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, वर्तमान में 33 श्रेणी के शिक्षकों के 43,000 पद खाली हैं। पिछली साल सरकार ने 31,000 पदों पर भर्ती आयोजित करवाने की घोषणा की थी, तो ऐसे में सरकार भी पद बढ़ाने के मूड में है। जल्द ही आपकी 39,000 पदों की घोषणा होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों हमें 39,000 पद नहीं करवाने हैं, हमें दोस्तों 50,000 पद करवाने हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आपका जो रीट के पद बढ़ाकर। 1,49,000 ट्वीट दोस्तों कल शाम 5 बजे तक हो चुके थे, अभी 2 लाख से ऊपर जो है ट्वीट है वो निकल चुके, तो लगातार ट्वीट करते रहे। मैं बात करूँ दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की दोस्तों आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, लगातार स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों BEd और BSTC विवाद को लेकर भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट BSTC का अधिकार है, वहीं दोस्तों BEd वाले बोल रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए। पदोन्नति हो तो सुगम हो, तबादलों व रीट की भर्ती की राह बने आसान। दोस्तों, रीट के 90,000 पद खाली हैं। दोस्तों, 90,000 में से दोस्तों अगर 50,000 भी पद कर देती है सरकार तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा। कट ऑफ दोस्तों बहुत कम हो जाएगी, 105 वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करूँ दोस्तों मिनिमम कट ऑफ की तो 102 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी दोस्तों ST कैटेगरी में, और वहीं दोस्तों जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 120 तक आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो ये लेवल फर्स्ट की है दोस्तों। लेवल अगर मैं जो है 2 की बात करूँ तो उसमें दोस्तों आपको 110 से 123 के मध्य आपको कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी, तो रीट में बढ़ सकती है पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, जल्द इसके लेकर घोषणा हो सकती है, क्योंकि सरकार भी पद बढ़ाने के मूड में। सरकार को भी पता है कि अब 2 साल से भी कम समय सरकार के पास बचा हुआ है, तो आने वाले दिनों में सरकार आप सबके लिए अच्छी खबर ला सकती है। दोस्तों, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अगले 2 वर्ष का डाटा मांगा गया है कि कितने जो है टीचर है वो रिटायरमेंट हुए हैं, कितने नए यहाँ पर स्कूल खुले हैं व क्रमोन्नत हुए हैं, उसी की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों आपके पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। ये आपकी कट ऑफ है दोस्तों, जैसा कि आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे दोस्तों, कट ऑफ आपकी बहुत ही कम रहेगी अगर आपके 50,000 पद हो जाते हैं, क्योंकि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा भी काफ़ी हुआ है दोस्तों, आप सबको पता होगा। हालांकि CBI जो है जांच की बोला गया था, लेकिन जांच नहीं होगी दोस्तों, अब इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों BEd और BSTC विवाद को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने दोस्तों इस पर रोक लगा दी है रिजल्ट पर। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जो है फैसला, अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगले महीने यानी कि नवंबर में ही हम आपका रिजल्ट है वो तैयार जो है निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी परिणाम जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी दोस्तों और आपको सूचित भी कर दी जाएगा। तो ये आंसर की है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उसकी यहाँ पर दोस्तों जो है आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। लगभग L1 में दोस्तों आपको 5 अंक के बोनस और L2 में दोस्तों लगभग आपके 4 अंक के बोनस यानी कि 9 से 10 अंक के बोनस आपको मिलने वाले हैं। फाइनल आंसर की दोस्तों 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 या 2 दिन में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और बोनस अंक दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्शन वाले स्टूडेंट को ही दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबको बोनस अंक नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ ऑब्जेक्शन वाले स्टूडेंट को जो है बोनस अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पदों को बढ़ाने को लेकर आज भी ट्वीट करना है, क्योंकि अगर पद बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। लगातार मैं आपका साथ देता रहता हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और रीट से संबंधित कोई भी अपडेट दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। और दोस्तों 50,000 पदों को लेकर जल्द ही आपके लिए जो है शिक्षा मंत्री गौसिन डोटसराय घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में भी ये बात आएगी, और सरकार को भी पता है कि अब 2 साल से कम समय बचा है, फिर चुनाव होने हैं, ऐसे में दोस्तों आप सबके लिए पदों में बढ़ोतरी की अच्छी खबर आ सकती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी भी पद बढ़ाने के मूड में है, लेकिन 39,000 पद हो सकते हैं, लेकिन हमें 50,000 पद कराने हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।